ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है ओनली ऑन नेस्ले मिल्कमेड प्रेजेंट्स पचा पार्टी। हम बना रहे हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी जो है रावियोली पास्ता। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करेंगे। हम बनाएंगे एक आटा। तो सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदे के बाद हम इसमें डालेंगे रवा, थोड़ा सा रवा हम डालेंगे और मैदे जितना ही हम डालेंगे गेहूं का आटा। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे हम इसमें और पानी और एक हार्ड आटा हम गूंद लेंगे। थोड़ा सा अपना हाथ भी इस्तेमाल करिए। चलिए ये आटा बिल्कुल रेडी है, हम इसे साइड पर रख देते हैं। और अब सबसे पहले रावियोली के अंदर जो हम स्टफिंग डालने वाले हैं उसे तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। सो हियर यू गो, वी हैव दिस लवली रिच ऑलिव ऑयल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटे हुए प्याज और उसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे चिकन। मेरे पास है बोनलेस चिकन जो मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लाल पीली और हरी शिमला मिर्च और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर अब मेरे पास है सम ऑरिगेनो विच विल गिव अ नाइस अरोमा एंड टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे फेटा चीज। मैं इसे सिर्फ इसमें मैश कर दूंगी। चलिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, हम गैस को बंद कर लेते हैं। अब हमें तैयार करने हैं हमारे पास्ता। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बोर्ड पे थोड़ा सा आटा छिड़कते हैं और इसे अच्छा सा एक बड़ा सा पेड़े का शेप देते हैं। लेट्स पुट इट हियर। और अब एक बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। हमें एकदम पतली रोटी बेलनी है जो हमने बहुत बढ़िया बेल ली है एंड मेक अ पास्ता। तो मेरे पास है यहाँ पर ये मोल्ड, चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, अब हम इसे हटा लेते हैं। परफेक्ट, अब हमें एक चम्मच की मदद से थोड़ी सी स्टफिंग डालनी है एक पर। परफेक्ट, अब रावियोली को बंद करना है और रावियोली तैयार करनी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एग वॉश करेंगे। जल्दी से एक एग को हम थोड़ा सा फैट लेंगे और फिर एग वॉश करेंगे। जिस रावियोली बेस पर हमने फिलिंग नहीं लगाई है उस पर हम ये थोड़ा सा एग वॉश करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम बंद कर देते हैं। लवली, सुपर। एक फॉक की मदद से आप इसे और कंसील कर सकते हैं ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकले। तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक और ऑयल, वो इसलिए ताकि जब हम हमारे रावियोली इसमें डालें तो वो एक दूसरे में चिपके ना। और अब बहुत प्यार से हम इसमें ये रावियोली डाल देते हैं। बस 3 मिनट के लिए हम इसे इसमें गर्म पानी में पकाएंगे और फिर निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडा पानी यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है, ये फ्रिज का पानी है, इट शुड बी दैट कोल्ड। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। रावियोलीज देखिए कितनी अच्छे से बॉईल हो रही है यहाँ पर। गैस को बंद कर लेते हैं। इट्स रेडी टू बी रिमूव्ड एंड नाउ वी विल पुट देम इन चिल्ड वाटर।
सुपर। तो अब मैं निकाल लेती हूँ मेरी रावियोलीज जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हैं। अब आप देखिए जैसे ही ये ठंडी हो जाती हैं, इनके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर हम इन्हें थोड़ा सा कट कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी साइज में छोटी हो जाए। ओके, चलिए हमारी ये रावियोलीज बिल्कुल रेडी है। लेकिन रावियोलीज तभी मजा आता है खाने में जब उसके साथ हो नाइस रिच सॉस। तो चलिए सॉस तैयार कर लेते हैं। हमारे पास है ये पैन, उसे चालू कर लेते हैं, उसे गरम होने देते हैं और उसमें हम डालते हैं अगेन ऑलिव ऑयल। अब इस गरम तेल में हम डालेंगे हमारी इस सॉस को। मैं इसमें बेल पेपर की सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। लवली। चलिए अब हम इसमें डालते हैं फ्रेश क्रीम और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को बंद कर लेते हैं। सम सॉल्ट, पेपर एंड वेरी लिटिल शुगर, वेरी लिटिल, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी नाइस रिच सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी करनी है हमें प्लेटिंग। तो हमारे पास है दिस लवली डिश। चलिए इसे हम यहाँ पर रखेंगे और सबसे पहले एक स्पून की मदद से हम इस सॉस को डालेंगे इस प्लेट पर और इसके ऊपर हम रखेंगे हमारे रावियोलीज। लवली। और इसके ऊपर भी हम डालेंगे ये सॉस। परफेक्ट। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा क्रीम एंड सम पार्सले। तो रेडी हो गए हैं वेरी डिलिशियस रावियोली पास्ता। तो प्लीज इसे बनाइए, लेकिन उसके लिए देखिए एक क्विक रिकैप। रावियोली पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री। डो के लिए एक अंडा, एक कप मैदा, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, नमक स्वाद अनुसार, तेल जरूरत अनुसार, पानी जरूरत अनुसार। स्टफिंग के लिए जैतून का तेल जरूरत अनुसार, 1-2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 3-4 टेबलस्पून बारीक कटे हुए प्याज, 1 कप चिकन का कीमा, 4-5 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, 2-3 टेबलस्पून ओरिगानो हर्ब्स, आधा ब्लॉक फेटा चीज। सॉस के लिए जैतून का तेल जरूरत अनुसार, 1 कप शिमला मिर्च का प्यूरे, 4-5 टेबलस्पून ताजी मलाई, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चीनी। सील करने के लिए फेटा हुआ अंडा, गार्निश के लिए मलाई पार्सली। रावियोली पास्ता बनाने की विधि। एक बोल में अंडा, मैदा, गेहूं का आटा, सूजी, नमक, तेल और पानी मिलाकर डो तैयार करें। अब एक पैन में जैतून का तेल गरम करके इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, चिकन का कीमा, बारीक कटी हुई लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, ओरिगानो हर्ब्स और फेटा चीज क्रम्बल करके डालें और स्टफिंग तैयार करें। इसके बाद तैयार डो की पतली रोटी बेलकर उसे गोल आकार में काट लें और इस पर तैयार स्टफिंग रखें। साथ ही डो की पट्टियों के कोनों पर फेंटा हुआ अंडा लगा लें और इस पर एक और डो की पट्टी रखकर बंद करें। इसके बाद दूसरे पैन में पानी, नमक और तेल डालकर उबालें और इसमें तैयार रावियोली डालकर 3 मिनट तक उबालें। अब उबली हुई रावियोली को ठंडे पानी में डालें और कोनों से काट लें। इसके बाद एक पैन में जैतून का तेल गरम करके इसमें शिमला मिर्च का प्यूरे, ताजी मलाई, नमक, काली मिर्च पाउडर और चीनी डालकर पकाएं और सॉस तैयार करें। इसके बाद एक प्लेट में तैयार सॉस और रावियोली परोसें। तैयार रावियोली पास्ता को तैयार सॉस, मलाई और पार्सली से गार्निश करें। आपका रावियोली पास्ता तैयार है। अब रावियोली खाने के बाद मन करता है एक डिजर्ट रेसिपी हो जाए। तो चलिए ब्रेक के बाद हम बनाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी जो है एक डिजर्ट रेसिपी टू सपोर्ट आवर सेकंड रेसिपी।